लालच दिया गया। मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो बात आज सच हो गई कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मगर हमें गर्व है हमारे विधायकों पे कि उन्होंने इस बात को पार्टी की लीडरशिप को बताया और कल सबके सामने उन्होंने प्रेस वार्ता की। मैं जानता हूं पिछली बार जब हमारी प्रेस वार्ताएं हुई तो कहा गया कौन सा फोन था, किसने फोन किया, कितने बजे आया, किस फोन नंबर से आया। तो कल हमारे विधायकों ने ये फोन नंबर भी जारी किया है कि ये फोन नंबर है जिससे फोन आया है। इसके अलावा भी मेरी जानकारी में है कि उनके पास और भी कुछ इससे रिलेटेड जानकारियां और सबूत हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस नंबर को खुद भी देख लें, समझ लें। आपके पास कोई सवाल है तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि शीतल अंगुराल और जो जो गए हैं रिंकू, सुशील रिंकू, ये किसी कड़ी का हिस्सा है? देखिए, ये इन लोगों से हमारी बात नहीं हुई, मगर कोई भी पॉलिटिकल आदमी इस बात को नहीं समझ सकता कि एक जीतने वाली पार्टी का सांसद चौथे नंबर पे आने वाली पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए क्यों भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। सिर्फ मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि ये नहीं जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चौथे पे ही आएगी, मगर सिर्फ पार्टी के अंदर तोड़फोड़ मचाने के लिए, सरकारों को गिराने की कोशिश के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है। यस, दिस इज व्हाट आई नो। नो, आई हैव नॉट ट्रेस्ड। I am very surprised when an elected government of America raises concern about the democracy in India, when a German government raises its concern about speedy trial, free and fair justice in India, the central government and the BJP is very agitated. That why is another government talking about the internal affairs of the country, and here is a person belonging to a terrorist organization talking bullshit about a sitting chief minister, and the BJP and its handles are propagating, promoting a terrorist in the country as if he is a saint. This is shameful. This shows that BJP is anti-national, and there is a tactic understanding between BJP and such elements. ये बहुत शर्म की और दुर्भाग्य की बात है कि जब चुनी हुई सरकारें, अमेरिका की चुनी हुई सरकार और जर्मनी की चुनी हुई सरकार भारत के अंदर हो रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उथल पुथल के ऊपर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को न्याय मिले और जल्द न्याय मिले, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी और भारत की केंद्र सरकार को आपत्ति होती है, इनके पेट में दर्द हो जाता है कि बाहर की सरकार हमारे देश के बारे में कैसे कुछ कह सकती है। मगर जब एक उग्रवादी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी इस तरीके का घटिया संदेश एक चुने हुए मुख्यमंत्री के विषय में देता है, तो भारतीय जनता पार्टी के हैंडल्स, भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल इसको ऐसे देश के अंदर चलाते हैं जैसे किसी साधु संत ने कोई ब्रह्म वाक्य कहा है। ये बहुत शर्म की बात है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ इस तरीके के देश विरोधी एलिमेंट्स के साथ है। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, एलजी साहब कह रहे हैं नहीं, जेल से नहीं चलेगी सरकार। अरे एलजी साहब तो कह रहे हैं ना, जेल से चलेगी ना बाहर चलेगी, सरकार चलेगी नहीं।
एलजी साहब तो ये कह रहे हैं, उनके कहने से कोई ना चलेगी। सर हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका लगाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि इस तरीके से सरकार चलानी नहीं चाहिए, परेशानी होगी। देखिए ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी हैं, इसको प्रॉक्सी लिटिगेशन कहा जाता है कि जब आप खुद सरकार गिराने की हिम्मत और नैतिक साहस नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो नीतिगत है, वो कानूनी ठीक है, वो संविधान उसके अंदर कोई कमी नहीं निकालता है, तो इस तरीके की प्रॉक्सी लिटिगेशन कोर्ट में लाई जाती है ताकि कोर्ट का सहारा लेके इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करे। मैं चाहूंगा कि कोर्ट भी इस तरीके की चीजों को समझे, अक्सर कोर्ट इस तरीके की चीजों को समझ के टिप्पणियां करते हैं। और कोई सवाल? देखिए मैंने भी टीवी पे ही फ्लैश सुना है, मेरे को बहुत ज्यादा कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है इस विषय में। पता चला है कि कुछ बीजेपी के नेता हैं, कुछ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं।